पंचायत है और ये देखिए समाज के लोगों के पास, ये माझी समाज के लोग हैं और इन लोगों के पास इतनी हालत ख़राब है जो पानी घर तक पहुंच गया है यहाँ पर। जब हमारी सीईओ से बातचीत हुई है, मुखिया से बातचीत हुई, तो यहाँ के सीईओ को पता चला है कि केदार प्रसाद गुप्ता ने फ़ोन किया है कि यहाँ के किनारू और ये केरमा पंचायत सुखार घोषित कर दिया गया इसको, और ये हालत है। और ब्राह्मणवादी मीडिया चैनल जो है ये भी इस चीज़ को दिखा नहीं रहे कि हमारे समाज के लोग यहाँ पे पानी से ग्रसित में है। आए थे भैया, कल में देखियो पानी कैसे पीता, जैसन जैसन स्थिति बहुत खराब है। एको बार ना आवे छी मुखिया देखे, केरमा के मुखिया उलटियो को ना आवे छी। देखियो कौन खाली, यहां के मुखिया कौन है? धोबी है। धोबी है। क्या नाम है? कथी नाम आई हो? अनिल भाई। अनिल बेटा के भाई चाचा है। कथी राजू कहै छै? राजू बैठा है। ठीक है, उनसे बात करते हैं क्या होता है। खरेड़ा गांव सब दहा गया हुआ है। मुखिया के पास गए हैं तो मुखिया कह रहे हैं जो हम नहीं जानते हैं। वार्ड मेंबर लिखित दे दिया, सीओ घोषित कर दिया सुखार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हुआ बिट्टू कुमार सिंह उर्फ बिट्ठल दादा। कहाँ घर है? हमारा घर झिटके हुआ। रोड काहे जाम किए? रोड इसलिए जाम किए हैं सर, जो हम लोग के घर में पानी घुसा हुआ है। बाल बच्चा के खाने के लिए उपाय नहीं है, चूल्हा चौकी सब बंद है, पानी पीने के लिए नहीं है, माल जाल सब भूख मर गया नहीं। और बाल बच्चा सब पानी में हिलता है, डूब के मरने पर है। कै नंबर वार्ड से है आप? हम दो नंबर वार्ड से है सर। है किनारू पंचायत पड़ता है, बगल में किरमा पंचायत पड़ता है, और ये वार्ड नंबर 3 के लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और इनका मांग ये है कि इनसे जब पूछा कि हमने पूछा है तो इनका मांग ये है कि ये बाहर ग्रसित लोग हैं और लॉकडाउन की वजह से इनका बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है, जिनके कारण इनके पास न घर को घर में खाने का भोजन है और बाढ़ की वजह से इनको रहने तक का ही इनकी आफत पड़ गई और खाने तक की आफत पड़ गई है। और हम अभी इनका कुछ लोगों का इंटरव्यू लेंगे, जिनका ये अपना बताएंगे। मेरा नाम रमन प्रसाद बौद्ध हुआ और मैं किनारू पंचायत के ही रहने वाला हूँ, और मैं मूल निवासी नायक का पत्रकार भी हूँ। मैं अब लोगों से बैठल होती पानी में, रोड पर रोड पर से पानी में से रोड पर करे छी, इतना खाए ला देबे ना करे छै। आप लोग एगो लॉकडाउन लगा देलक त बाहर दहर आ गेलक, त हम त खाओ कथी? ओ बच्चा मुखिया कुछ नहीं देता है? मुखिया कुछ ना तेरा चिउरो ना, तेरा नाम घूम के का बोले कर छोड़ो ना, ना फोटो मार लेला बच्चे बाबू त दहर तक ना देलक, फोटो मार के त एगो देलक। आपका भी कुछ कहना है क्या? बोलिए ये मुखिया जी को जो आपने बोला है, पानी है ना पीने के लिए? नहीं नहीं, मुखिया जी आए हैं आपको जो बाहर से पानी है देखने आए हैं? मुखिया जी है, मुखिया जी जगदीश माझी को आज से 2 महीना पहले पता है कि सारा आदमी रोड पर आ रहा है ना, यहाँ मुखिया को सुन रहा है ना कोई सुना है? मुखिया का हम लोग घेरा विधायक विधायक के बाद कोई किरदार नहीं ना, कोई मनोज कुशवाहा कोई नहीं यहाँ पे सुनने के लिए तैयार है। सुखार गुप्ता आया है और सुखार घोषित करवा दिया है, उसका मुखिया को बोलते हैं, मुखिया दुनती करता है, इसी गांव में 2-4 होकर मिला है, बाद किसी को नहीं मिला। आपको ये कैसे लगा कि केदार प्रसाद गुप्ता आपने सुखार घोषित किया? हम सुने हैं, सारा आदमी को मुँह से सुन रहा है, सारे लेडीज को मुँह से, बच्चा के मुँह से सुन रहा है की किनारू पंचायत घोषार लिखा है। तो आप पंचायत किनारो पंचायत कितने वार्ड से? कितने वार्ड नंबर? 3 नंबर वार्ड से। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। अखिलेश कुमार क्या पूरा नाम बताइए? अखिलेश पासवान मेरा नाम हुआ, किनारो पंचायत झिटकी का रहने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।